हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ओशन ऑफ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्मार्टफोन तो आजकल सभी लोग यूज करते हैं और गाइज वहाँ उसका इंटरफेस और उसका जो है वॉलपेपर। सो बेसिकली गाइज एक ही फोन को कोई भी बंदा यूज करते रहे तो गाइज कभी ना कभी वो बोर हो ही जाता है। फिर गाइज बोरिंग चीज़ें क्या होती है कि गाइज फोन स्लो हो जाता है, वो तो खैर मजबूरी होती है, बट गाइज बोरिंग सी चीज़ होती है वो उसका लॉन्चर होता है, होम स्क्रीन का सेटअप होता है या फिर वॉलपेपर होता है। सो गाइज यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूँ ऐसे पांच कमाल के लॉन्चर जिसके मदद से जो आपके फ़ोन को एक नया लुक मिलेगा और फिर गाइज आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने न्यू फ़ोन को चला रहे हो। मीन्स फोन को यूज़ करने का जो पूरा इंटरफेस जो है पूरा टेक्निक ही चेंज हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे फुल्ली फोन जो आपका बिल्कुल ही कस्टमाइज सा हो जाएगा। सो गाइज अगर आप जानना चाहते हो उन सभी एप्लीकेशन के बारे में, उन सभी लॉन्चर्स के बारे में, सो गाइज हमारे इस वीडियो को बिना सीखे पूरी एंड तक जरूर देखिए। और गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ घंटा भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैं लिस्ट में जो पहला लॉन्चर है उसका नाम है स्मार्ट लॉन्चर। बेसिकली अगर इस लॉन्चर की बात करें तो गाइस बहुत ही कमाल का लॉन्चर है, अमेजिंग सा इंटरफेस है। और गाइस यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस के ड्रॉअर मिल जाएंगे, यहाँ से आप सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाएंगे। और फिर गाइस यहाँ पे अगर थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो गाइस आप यहाँ पे ऐड कैटेगरीज ऐड कर पाएंगे, प्रेफरेंस को चेंज कर पाएंगे। और फिर गाइस यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइमिंग और डिग्री विग्री कुछ दिखा रहे तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक बोले तो उनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, उन्हें मूव कर सकते हैं और रिसाइज भी कर सकते हैं। और फिर गाइस होम पेज की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप ऐप अपीयरेंस को बढ़ा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, मीन्स गाइस शेप को चेंज कर सकते हैं, डबल टैप पे कुछ गेस्चर्स लगा सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए अगर होम स्क्रीन पे आप टैप करते हो तो गाइस आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लाइक गाइस होम पेज, ऐप पेज, वॉलपेपर, थीम्स, ग्लोबल सेटिंग्स। गाइस ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सिंगल अगर आप होम स्क्रीन पे टैप करके रखते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं तो गाइस ये सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस फुल्ली कस्टमाइजेबल लॉन्चर है, फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। और गाइस आप जो भी फोन यूज़ कर रहे हैं उससे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर जितने भी आइकन्स हैं वो एंड्रॉइड ओरियो के लॉन्चर्स आइकन्स अवेलेबल है। और फिर गाइस यहाँ पे जो आप थीम्स चेंज करके भी जो और से और अमेजिंग सा लुक दे सकते हैं। सो गाइस मेरे ख्याल से बहुत ही कमाल का लॉन्चर है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं लिस्ट में जो अगला लॉन्चर है उसका नाम है ब्लैकबेरी लॉन्चर। बेसिकली गाइस ब्लैकबेरी फोन्स की बात करें तो गाइस आज कल लोग बहुत ही कम दिखते हैं मार्केट में। सो गाइस जिन बंदों ने पहले ब्लैकबेरी के फोन को यूज़ करा है उन्हें उनका इंटरफेस अच्छा लगा, होम स्क्रीन का इंटरफेस जो भी है, जो भी लॉन्चर है उसका अगर उन्हें अच्छा लगा तो गाइस ये एप्लीकेशन बस उन्हीं के लिए है। और गाइस यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो ब्लैकबेरी लॉन्चर में जितने भी ब्लैकबेरी के फोन में जो लॉन्चर होता है डिफॉल्ट वाला, उसमें जितने फीचर है वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। लाइक जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए ऐप्स देखने को, विजेट देखने को मिल जाएंगे और कुछ शॉर्टकट्स जो है आप यहाँ पर होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे अगर आप बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको ब्लैकबेरी के डिफॉल्ट चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, लाइक टूल्स हो गए, कैलेंडर हो गया, मैसेजिंग ऐप हो गया या फिर कॉन्टैक्ट ऐप हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ चीज़ें दे रखी है आपको होम स्क्रीन पर। गाइस आप होम स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है आइकन पैक्स को चेंज करने का और भी बहुत सारे फीचर्स को जो है चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो गाइस सिंपली आप यहाँ पे किसी भी एप्लीकेशन को टाइप करके सर्च भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही फास्ट है, बहुत ही ईजिली आप एक्सेस कर पाएंगे। और फिर गाइस सेटिंग्स की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पॉप विजेट को ऑफ कर सकते हैं, आइकन पैक्स को अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन लेआउट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे ऐप अपीयरेंस को सेट कर सकते हैं, लाइक अगर किसी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं, किसी को अनहाइड कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको थीम्स भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस मेरे ख्याल से ये लॉन्चर भी बहुत ही कमाल का है, अगर आपको ये लॉन्चर अच्छा लगा, अगर आप ब्लैकबेरी के फैन है तो गाइस इस लॉन्चर को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो समय लिस्ट में जो अगला लॉन्चर उसका नाम है लीना लॉन्चर। बेसिकली गाइस अगर आपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को चलाते चलाते बोर हो गए और आपको विंडो जैसा एक्सेस जो है बहुत ही अच्छा लगता है तो गाइस ये एप्लीकेशन आपके लिए, ये लॉन्चर जो है आपके लिए। बिकॉज गाइस यहाँ पे जो है अगर आप इस लॉन्चर को अपने फोन में अप्लाई करते हैं तो गाइस आपको ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे एंड्रॉइड के वे में जो है एक विंडो को चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स ओपन कर, मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं विंडो की तरह और सेम डेस्कटॉप पे ही, डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही मल्टीपल एप्लीकेशन को जो ओपन कर सकते हो। फिर जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए इन्हें बिल्कुल विंडो अगर आपने यूज़ करा है, कंप्यूटर आपने यूज़ करा तो गाइस यहाँ पे सब कुछ आपको सेम टू सेम वैसे ही देखने को मिल जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो गाइस वहाँ पे जो है एंड्रॉइड की तरह डिफॉल्ट एप्लीकेशन ओपन नहीं होता, यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन होता है विंडो के फीचर्स की तरह। फिर गाइस यहाँ पे अगर आप टैप करते हो तो गाइस आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट मिल जाता है, गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऐप देखने को मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले मतलब ओपन कर सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पे आप सेटिंग्स की बात करते हो प्रिवेंट स्क्रीन लॉक और ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाएंगे, ओपन ऑफ स्क्रीन रोटेशन, ऑटो साइज रोटेट, मोबाइल डेटा, ये सारी चीज़ें आप जो सिंगल टाइम में एक्सेस कर पाएंगे। और फिर गाइस यहाँ पे अगर इस लॉन्चर की बात करें साइज भी इसका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 10-15 MB की एप्लीकेशन है उसके अंदर ही आती है। और फिर गाइस यहाँ पे जो है आप इस एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करें तो गाइस आपको टोटली लगेगा कि आप अपने फोन में एक कंप्यूटर को, मिनी कंप्यूटर को जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस अगर आप विंडो के फैन हैं तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके विंडो के मजे उठा सकते हैं।
दोस्तों मैं लिस्ट में जो अगली एप्लीकेशन उसका नाम है टोटल लॉन्चर। बेसिकली गाइस ये लॉन्चर मैं यहाँ पे इसलिए लेके आया बिकॉज गाइस एक तो गाइस ये यूनिक सा है, वो तो खैर है ही। उसके बाद मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये एप्लीकेशन जो है इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन को सर्च करते तो गाइज दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर योर कंट्री लिखा हुआ आएगा। सो गाइज यहाँ पे ये इसकी ये पता नहीं क्यों नहीं है ये अवेलेबल, बट गाइज मैं यहाँ पे आपको कुछ लिंक दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, या फिर एसी मार्केट वाले को यूज़ करके जो आप इसे इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज अगर इस लॉन्चर की बात करें तो गाइज यहाँ पे आप बहुत सारे शॉर्टकट्स लगा सकते हैं। लाइक गाइज यहाँ पे आप आइकन पैक चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं, और गाइज स्वाइप अप स्वाइप लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप डाउन टाइप के जो है गेस्टर्स लगा सकते हैं। और फिर गाइज इसी एप्लीकेशन के अंदर वो गेस्टर नहीं लगा सकते, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर वो गेस्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं उस पर टैप करके अगर स्लाइड राइट करूँ तो कोई और चीज़ खुल जा रहा है, उस पर टैप करके स्लाइड अप करूँ तो गाइज कोई और चीज़ खुल रहा है। तो गाइज फुली कस्टमाइजेबल ऐप है और बहुत ही कमाल का गेस्टर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, डबल डॉक मिल जाता है। लाइक गाइज आप यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करके वहाँ पे भी कुछ शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, उन्हें बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पे मेन्यू की बात करें तो गाइस यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स थीम्स सिस्टम वॉलपेपर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, थीम्स भी देखने को मिलेगी बट बाहर से डाउनलोड करना। सो दोस्तों ये लॉन्चर भी बहुत ही अलग सा है और हमारे देश के लिए अवेलेबल भी नहीं है। सो गाइस अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो एक बार इंस्टॉल करके ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों मैं लिस्ट में जो अगला लॉन्चर उसका नाम है लिनक्स CLI लॉन्चर। वैसे ही गाइस लॉन्चर्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, सब में डिफरेंस होते हैं बट गाइस नॉर्मल सी बात ये कि वो होता बिल्कुल ही लॉन्चर जैसा ही है। सो गाइस यह इस लॉन्चर की बात करें तो गाइस ये जो है सबसे अलग लॉन्चर है। बेसिकली गाइज ये काम कैसे करता है, CLI लॉन्चर है कमांड लाइन इंटरफेस। सो गाइज यहाँ पे जो आप किसी भी चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को अगर करना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको कमांड देना पड़ेगा। नॉर्मली आपने विंडो को यूज़ करा ही होगा, वहाँ पे भी कमांड देके ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो गाइज यहाँ पे इस एप्लीकेशन इस लॉन्चर की बात करें तो गाइज यहाँ पे भी आप सारे काम जो है कमांड दे करके ही कर पाएंगे। लाइक गाइज अनइंस्टॉल हो गया, ओपन करना हो किसी SMS को, या फिर किसी चीज़ को अनइंस्टॉल करना हो, किसी को SMS भेजना हो, किसी को कॉल करना हो, कुछ सर्च करना हो, वाईफाई ओपन करना हो, फ्लैश ओपन करना हो, शेयर करना हो किसी भी फाइल को। सो गाइज ये सारे काम जो है आपको बस आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है, जो भी कमांड देना है आपको बस कमांड टाइप करना और वो कमांड जो है आपके लिए पूरा हो जाए। किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं कमांड से। सो गाइस टोटली सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे लॉन्चर के होम स्क्रीन से ही एक्सेस कर पाएंगे। सो दोस्तों किस टाइप के लॉन्चर थे जहाँ पे हमने आप सभी लोगों को 5 कूल लॉन्चर के बारे में बताया। सो गाइस अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।